नमस्कार, एक्सप्रेस 100 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। भारत आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान की स्थिति पर क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद आयोजित कर रहा है। इस संवाद की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। संवाद में ईरान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान हिस्सा ले रहे हैं। वार्ता से पहले ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ हुई एनएसए स्तरीय द्विपक्षीय बैठक। भारत ने पाकिस्तान और चीन को भी बैठक के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन ये दोनों देश संवाद में नहीं हो रहे हैं शामिल। चीन ने कहा कि वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण इस बैठक में हिस्सा नहीं ले पा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। बैठक में अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम से उत्पन्न सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने का समर्थन किया जाएगा। तमिलनाडु में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त। भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर राज्य के 9 जिलों में 2 दिनों का स्थानीय अवकाश घोषित। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू, कुडलूर, नागापट्टनम, तंजावूर, तिरुवरूर और मलयातुथुराई में आज और कल के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया। वर्षा जनित घटनाओं में अब तक 5 लोगों की हो चुकी है मौत। मौसम विभाग द्वारा जारी भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात। वहीं कोयम्बटूर, डिंडीगुल, तिरुनलवेली और थेनी सहित 14 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। मछुआरों को इस महीने की 12 तारीख तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई। बारिश से संबंधित शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1913 स्थापित किया गया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई स्थानों पर तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तमिलनाडु में भारी बारिश से अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से कई जगह जलभराव हुआ, लोगों के घरों तक में पानी भर गया है। मदुरई में भी भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलजमाव की स्थिति बनी। यातायात काफी प्रभावित हुआ, आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ। मदुरई के जिला कलेक्टर ने सथियार डैम में बढ़े हुए जलस्तर का निरीक्षण किया। तमिलनाडु के क्षेत्रीय मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में हवा का कम दबाव बना रह सकता है, जिसके चक्रवात में बदलने की है उम्मीद। चक्रवात के गुरुवार सुबह तक राज्य के समुद्र तट तक पहुंचने की संभावना। नई दिल्ली स्थित वायु भवन में आज वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे सम्मेलन को संबोधित। वाइस एडमिरल आर हरिकुमार होंगे अगले नौसेना प्रमुख। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह इस महीने की 30 तारीख को हो रहे हैं सेवानिवृत्त। वाइस एडमिरल आर हरिकुमार वर्तमान में हैं पश्चिमी नौसेना कमांड में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। वो 1 जनवरी 1983 को भारतीय नौसेना में हुए थे शामिल। देश में कोविड को खत्म करने के लिए हर स्तर पर प्रयास लगातार जारी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के मामलों में लगातार आ रही है कमी। देश में जारी कोविड टीकाकरण अभियान ने 109 करोड़ 59 लाख का आंकड़ा किया पार। कल शाम 7 बजे तक 48 लाख से ज्यादा को दी गई वैक्सीन की डोज। देश में हर घर टीकाकरण अभियान के तहत टीकाकरण युद्धस्तर पर जारी। अभियान के तहत जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज नहीं ली है उनको टीका लगाया जाएगा, साथ ही जिन्होंने दूसरी डोज भी नहीं ली है उनको भी टीका लगाया जाएगा। अब तक 12 करोड़ लोगों ने नहीं ली है दूसरी डोज। भारत में बनी कोविड वैक्सीन को अब वैश्विक स्तर पर मिल रही है मान्यता। अब तक 96 देशों ने भारत में बनी वैक्सीन को मान्यता दी। इसके नतीजे इन देशों से आने वाले नागरिक और भारत के नागरिक इन देशों में अब आसानी से आ जा सकेंगे। WHO ने अब तक 8 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है, उनमें 2 भारत में बनी वैक्सीन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कोवैक्सीन भारतीय रिसर्च से बनी है, भारत के वैज्ञानिकों के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। कोरोना के कम होते कहर के बीच हिमाचल प्रदेश में आज से 3री से 7वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूल खोल दिए गए। 1ली और 2री कक्षा के बच्चे आगामी 15 नवंबर से बुलाए जाएंगे। स्कूलों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। 50% बच्चे ही कक्षा में मौजूद रहेंगे। राज्य में 8वीं से 12वीं की कक्षाएं बीते 11 अक्टूबर से ही नियमित तौर पर चल रही हैं।
देश के कई जगहों पर डेंगू और जीका वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। जम्मू के कई भागों में डेंगू तेजी से फैल रहा है। करीब 438 मामले सामने आ चुके हैं। यूपी के कानपुर में जीका वायरस का प्रकोप जारी है। मंगलवार को जिले में 17 पीड़ित स्वस्थ हुए। वर्तमान में जनपद में कुल 88 एक्टिव केसेस हैं। यूपी सरकार ने जीका वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए एक एकीकृत नियंत्रण केंद्र की स्थापना की। इस नियंत्रण केंद्र में स्वास्थ्य अधिकारियों को नियुक्त किया गया जो 2400 घंटे स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। जीका एक मच्छर जनित बीमारी है जो एडीज मच्छर से फैलती है। जीका वायरस के लक्षणों में सिरदर्द, बुखार, आंखों का लाल होना, शरीर पर चकत्ते पड़ना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द शामिल है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता प्रहलाद जोशी ने राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। कहा, जो कुछ भी रिश्वत दी गई थी वो 2007 और 2012 के बीच दी गई थी। जोशी ने कहा, मोदी सरकार ने अच्छी कीमत पर राफेल विमानों को खरीदा। डीआरडीओ और इजराइल के रक्षा अनुसंधान और विकास निदेशालय के बीच प्रौद्योगिकी के दोहरे उपयोग के लिए स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास और नवाचार और उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय नवाचार समझौता हुआ। समझौते के तहत दोनों देशों के स्टार्टअप्स और उद्योग ड्रोन, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकी लाने के लिए मिलकर काम करेंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कल श्रीलंकाई नौसेना के कमांडर वाइस एडमिरल निशांत उलुगेटन के साथ वार्ता की। इस दौरान नौसेना प्रमुख ने सूचना साझा करने पर आपसी तालमेल और आपसी कार्यक्रम आदान प्रदान के साथ ही समुद्री सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। प्रोजेक्ट 75 के तहत कल भारतीय नौसेना को चौथी पनडुब्बी वेला सौंपी गई। प्रोजेक्ट 75 के तहत कल कुल 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां बननी हैं। इनका निर्माण फ्रांस की नौसेना समूह के सहयोग से मुंबई के मडगांव बंदरगाह शिप बिल्डर्स लिमिटेड में किया जा रहा है। वेला का निर्माण 6 मई 2019 को शुरू हुआ था। इन पनडुब्बियों का निर्माण आत्मनिर्भर भारत दिशा में एक बड़ा कदम है। इन पनडुब्बियों से नौसेना की क्षमता बढ़ेगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी वर्चुअल तरीके से आज 5वें ISC फिक्की सैनिटेशन अवार्ड्स एंड इंडिया सैनिटेशन कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में नेपाली सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित करेंगे। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश विधान परिषदों की 54 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की। महाराष्ट्र की 6 सीटों, कर्नाटक की 25, तेलंगाना की 12 और आंध्र प्रदेश की 11 सीटों पर 10 दिसंबर को मतदान होगा। 16 नवंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा के वृंदावन में 31वें हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और सांसद हेमा मालिनी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। हुनर हाट का समापन 19 नवंबर को होगा। योगी आदित्यनाथ आज वृंदावन में ब्रज राज उत्सव का भी उद्घाटन करेंगे। ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने गौरवशाली ब्रज संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वृंदावन में 10 दिवसीय ब्रज राज महोत्सव का आयोजन किया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर आज बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा है। सफर वायु गुणवत्ता सूचकांक के मुताबिक दिल्ली की समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 382 दर्ज की गई है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए मंगलवार को जिम्मेदार सभी विभागों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान प्रदूषण को रोकने के लिए 5 सूत्रीय रणनीति बनाई गई। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत 2030 तक $1 ट्रिलियन के सेवा निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार है। गोयल ने कहा, भारत में दुनिया का शीर्ष सेवा निर्यातक बनने की क्षमता है। पीयूष गोयल ने कहा, विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत 56,027 करोड़ रुपए जारी किए गए। केंद्रीय मंत्री ने कहा, भारत बैक ऑफिस से दुनिया का ब्रेन ऑफिस बना है। खरीफ विपणन सीजन 2021-22 में धान खरीद से देश के लगभग 11,57,000 किसान लाभान्वित। किसानों को उनकी फसल के लिए MSP मूल्य के रूप में 41,066.80 करोड़ रुपए मिले। 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने खरीफ विपणन सीजन KMS 2021-22 में बीते 8 नवंबर तक 209.52 LMT से अधिक धान की खरीद की।
मंगलवार को विभिन्न शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रहीं। दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 103.97 रुपये रही, जबकि डीजल 86.67 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल पिछले सप्ताह की तुलना में 2% की गिरावट के साथ $83.43 प्रति बैरल तक पहुंचा। अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतों में 0.81% बढ़ोतरी के साथ 81.93 प्रति बैरल पहुंच गई है। SBI की रिपोर्ट के मुताबिक जनधन बैंक अकाउंट खुलने के बाद अपराध दर और शराब और तंबाकू उत्पादों जैसे नशीले पदार्थों की खपत में आई कमी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस योजना के तहत अब तक 43.76 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ के तीसरे दिन आज छठ व्रती महिलाएं अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी। कल खरना के साथ ही छठ व्रती महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो चुका है। छठ के तीसरे दिन आज प्रसाद के रूप में ठेकुआ और चावल के लड्डू बनाए जाएंगे। शाम को बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाकर व्रती के साथ परिवार और पड़ोस के लोग डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। छठव्रती महिलाएं तालाब या नदी किनारे सामूहिक रूप से अर्घ्य दान संपन्न करेंगी। सूर्य को जल और दूध का अर्घ्य दिया जाता है तथा छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ हो जाएगा छठ पूजा का समापन। छठ की महत्ता को देखते हुए उत्तर भारत में साफ सफाई और सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहिए DD न्यूज। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर, देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। वन सेक राहुल। मैडम यू आर डबल कूल। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और कुछ दूसरी अहम खबरों पर नजर डालते हैं। इथियोपिया में आंतरिक सुरक्षा खतरे में है। टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट और ओरोमो लिबरेशन आर्मी राजधानी अदीस अबाबा पर कूच की बात कह चुके हैं। इन विद्रोहियों को राजधानी से 325 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में केमिस शहर में देखा गया। इथियोपियाई मानवाधिकार आयोग ने पुष्टि की थी कि राजधानी में टाइग्रे लोगों को गिरफ्तार किया गया, हालांकि पुलिस ने जातीय रूप से प्रेरित गिरफ्तारी से इनकार किया है। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में संयुक्त राष्ट्र के कम से कम 16 कर्मचारियों और आश्रितों को हिरासत में लिया गया है। मंगलवार को टाइग्रे लोगों की व्यापक गिरफ्तारी की खबरों के बाद संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने यह खुलासा किया। अमेरिकी विदेश विभाग ने मंगलवार को इथियोपिया में संयुक्त राष्ट्र के 16 कर्मचारियों और आश्रितों को हिरासत में लिए जाने की घटना को गंभीर और अस्वीकार्य बताया। यमन में हिंसा का दौर जारी है। अदन शहर में एक गर्भवती महिला पत्रकार राशा अब्दुल्ला की कार विस्फोट में मौत हो गई, जबकि उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। पिछले महीने ही अदन के गवर्नर के काफिले को निशाना बनाकर किए गए कार बम विस्फोट में कम से कम 6 लोग मारे गए थे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने मंगलवार को कहा कि 2050 तक उनका देश शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए $132 मिलियन समर्पित करेगा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार 2035 तक 8 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने और 2030 तक 1.7 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़कों पर उतारने की रणनीति बना रही है। पोलैंड बेलारूसी सीमा पर एक प्रवासी शिविर में छोटे बच्चों और नवजात शिशुओं का वीडियो सामने आया है। पोलैंड इन प्रवासियों को यूरोपीय संघ में प्रवेश से रोक रहा है। यूरोपीय आयोग ने आरोप लगाया है कि बेलारूस अवैध प्रवासियों के यूरोपीय संघ में प्रवेश के लिए जिम्मेदार है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के स्वास्थ्य पास के लिए दिसंबर मध्य से कोरोना बूस्टर शॉट को अनिवार्य कर दिया है। मैक्रों ने एक टेलीविजन संबोधन में कहा कि यूरोप में कोरोना संक्रमण की 5वीं लहर देखी जा रही है और फ्रांस में कोरोना मरीजों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रही है। इंग्लैंड के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने मंगलवार को देश में सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोरोना वैक्सीन को 1 अप्रैल तक लेना अनिवार्य कर दिया है। जावेद ने कहा कि उन लोगों के लिए अनिवार्य टीके की छूट होगी जो चिकित्सा कारणों से टीकाकरण नहीं करवा सकते हैं या जो रोगियों के आमने सामने संपर्क में नहीं आते हैं।
अमेरिका ने पूर्ण टीकाकरण करा चुके 33 देशों के अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आवागमन को मंजूरी दे दी है। इसके बाद हवाई अड्डों पर भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं। स्पेन के ला पामा के कम्ब्रे वीजा ज्वालामुखी से लावा अभी भी निकल रहा है। लावा लॉस गुइरेस के समुद्र तट पर पहुंच रहा है। लावे की तस्वीरों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। ला पामा के स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि भूकंप और ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में गिरावट जारी है। लावा ने अब तक 2000 से अधिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। स्पेस एक्स के कॉन्ट्रैक्ट पर मुकदमेबाजी और बजट की कमी के चलते नासा ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को 2025 तक लैंड कराने की अपनी योजना को फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप प्रशासन ने 2024 तक चंद्रमा पर मानव मिशन का लक्ष्य रखा था, जो आर्टेमिस प्रोजेक्ट के तहत मंगल पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की योजना में पहली कड़ी थी। श्रीलंका में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से कम 12 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने बारिश कम होने की बात कही है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। उत्तरी चीन के कई हिस्सों में भारी हिमपात से कई घरों को नुकसान पहुंचा और सड़कें जाम हो गई हैं। बर्फबारी के कई रिकॉर्ड टूटने के बाद कई शहरों में चेतावनी जारी की गई है। बर्फबारी का चीन की ऊर्जा आपूर्ति, कृषि, परिवहन और बुनियादी ढांचे पर असर पड़ सकता है। चीन में पहले से ही महंगे ईंधन और बिजली की कमी बनी हुई है। ब्रिटेन के ग्लासगो में वैश्विक उत्सर्जन को शून्य पर लाने के लिए COP26 सम्मेलन में आज एजेंडे में इलेक्ट्रिक कार, ग्रीन शिपिंग लेन और नेट जीरो एविएशन के मुद्दे हैं। COP26 शून्य उत्सर्जन वाहनों के परिचालन और इसके लिए जरूरी बदलाव करने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है। ईयू ने जलवायु परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र अनुकूलन कोष को $115 मिलियन का पैकेज देने का वादा किया है। COP26 में ये अब तक का सबसे बड़ी राशि है। ईसीसी T20 विश्व कप में आज से शुरू होगी सेमीफाइनल की जंग। पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड के सामने न्यूजीलैंड की होगी चुनौती। इंग्लैंड के लिए जेसन रॉय का ना होना बड़ी मुश्किल। जेसन रॉय की जगह सैम बिलिंग्स या जेम्स विंस को मिल सकती है जगह। 17 नवंबर से घरेलू सरजमी पर होने वाली T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। रोहित शर्मा बने T20 फॉर्मेट के नए कप्तान। विराट कोहली को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से दिया गया आराम। कीवी टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट से जुड़ सकते हैं टीम में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मैच 17 नवंबर को जयपुर, दूसरा मैच 19 नवंबर को रांची और आखिरी मैच 21 नवंबर को कोलकाता में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने मंगलवार को इंडिया ए टीम का किया ऐलान। टीम की कप्तान प्रियंका पांचाल को सौंपी गई। टीम में पृथ्वी शॉ, राहुल चाहर, नवदीप सैनी जैसे युवा खिलाड़ियों को भी किया गया है शामिल। जम्मू के युवा तेज गेंदबाज उमरान मलिक को IPL में किए गए प्रदर्शन का मिला इनाम। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच खेलने वाली इंडिया ए टीम में किया गया शामिल। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम अगले साल मार्च अप्रैल में पाकिस्तान का दौरा करेगी। PCB ने ऑस्ट्रेलियाई दौरे की पुष्टि करते हुए इस बात की जानकारी दी। 24 साल के बाद यह पहली बार होगा जब ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। भारतीय निशानेबाज राही सरनोबत ने प्रेसिडेंट्स कप में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में पिस्टल खराब होने के बावजूद रजत पदक जीता। युवा निशानेबाज मनु भाकर ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल एथलेटिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपना बनाया। कोलकाता के मित्राव गुहा सर्बिया में शतरंज टूर्नामेंट के दौरान तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करके भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 20 साल के गुहा ने सर्बिया के नोवी साद में चल रहे ग्रैंड मास्टर थर्ड सैटरडे मिक्स 220 टूर्नामेंट में अंतिम नॉर्म हासिल करके ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल किया। इंग्लिश क्लब न्यूकासल यूनाइटेड ने एडी हॉग को नया मैनेजर नियुक्त किया है। एडी पूर्व मैनेजर स्टीव ब्रूस का स्थान लेंगे। इस वक्त न्यूकासल EPL की अंक तालिका में 19वें स्थान पर हैं। वे रेलिगेशन जोन से सिर्फ 5 अंक ऊपर हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा की बहुचर्चित फिल्म छोरी का टीजर रिलीज हो चुका है। Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ये वायरल हो गया है। बढ़ेंगे आगे और सलमान खान की आने वाली फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ का एक नया गाना होने लगा रिलीज हो गया है।
जुबिन नौटियाल ने इस गाने को अपनी आवाज दी है। इसका म्यूजिक रवि बसरूर ने दिया है और इसे शब्बीर अहमद ने लिखा है। अभिनेत्री हवा दिशा पटानी में हवा में उछलकर 720 किक का शानदार वीडियो मीडिया पर वायरल हो गया है। फैंस इसे टाइगर श्रॉफ की संगत का असर बता रहे हैं। खुद टाइगर श्रॉफ ने दिशा की किक की तारीफ की है। गायक अदनान सामी पद्मश्री से नवाजे जाने के बाद आशा भोसले को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि आशा जी ने उनके करियर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभिनेत्री कंगना रनौत पद्मश्री पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने कहा कि पद्मश्री ने यह दिखा दिया कि कैसे देश ने उन्हें एक आदर्श नागरिक के तौर पर भी महत्व दिया है। अक्षय कुमार और कटरीना कैफ अभिनीत रोहित शेट्टी निर्देशित फिल्म सूर्यवंशी ने लगभग 1.5 साल बाद बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। खिलाड़ी कुमार अक्षय और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म सूर्यवंशी ओटीटी पर भी जल्द ही दर्शकों पर उपलब्ध होंगी। फिल्म दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर भी स्ट्रीम हो सकती है। एक्ट्रेस पूनम पांडे ने पति सैम बॉम्बे के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराने के बाद मुंबई के बांद्रा पुलिस ने सैम बॉम्बे को गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन की हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। अभिनेत्री किरण खेर कैंसर के खिलाफ जंग जीतकर बतौर जज छोटे पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। वो एक टैलेंट शो में जज की भूमिका में नजर आएंगी। सत्यमेव जयते 2 के अक्षय त्यागी ने कॉस्ट्यूम डिजाइन का आइडिया तिरंगे से आया। जॉन अब्राहम इस फिल्म में 3 किरदार राजनेता पुलिस और किसान का निभाते हुए नजर आएंगे। तो एक्सप्रेस 100 में आज बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।